श्रीति शर्मा की लव स्टोरीज का एपिसोड 5 ट्यूटर। साल 1996 मुंबई। वक्त अपनी लय में बदला। बंबई शहर का नामांतरण मुंबई में हो गया। श्रीति ने अर्धवार्षिक परीक्षाएं अनमने मन से दी। परीक्षाएं अच्छी नहीं रहीं, उसे बस साधारण परिणाम की उम्मीद थी। परीक्षाओं के खत्म होने के साथ ही वह अपने गम से भी उभरने लगी और फिर से सपने बुनने लगी। उम्र का एक कच्चा रंग अब फीका पड़ चुका था। वह फिर से जिंदगी को आजमाना चाहती थी, फिर से महसूस करना चाहती थी मीठा अनुभव। रोमांटिक फिल्मी गानों को सुनकर वह अक्सर रंगीन ख्यालों में डूब जाती और कल्पनाओं में अक्सर रंग जाती। वह पढ़ाई में भी फिर से मन लगाने की कोशिश करने लगी थी। 12वीं क्लास की परीक्षा परिणाम श्रुति के लिए बहुत खास मायने रखता था। इसी से उसके भविष्य का आधार मजबूत बनना था। वह एक औसत छात्रा थी। उसकी मार्कशीट पर गर्व वाले अंक नहीं छपे थे। परीक्षा से 3 महीने पहले उसने सुलक्षणा की सलाह पर कमजोर विषयों अकाउंट्स तथा अर्थशास्त्र की ट्यूशन लेना शुरू कर दी थी। इन्हीं विषयों में मेहनत करके वह मुंबई के किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला पा सकती थी। मम्मी ट्यूशन के लिए उसका घर से अधिक समय तक दूर रहने के विचार से बेचैन थी। अखबार और टीवी समाचार में आए दिन महिला सुरक्षा की खबरों से वह भयभीत थी। इस चिंता को दूर करने के लिए उसके पिता ने घर पर ही ट्यूशन की व्यवस्था करने की सोची। श्रुति का भाई संस्कार होम ट्यूटर फरहान अहमद से अपनी हायर सेकेंडरी क्लास में पढ़ अच्छा परिणाम भी हासिल कर चुका था। पुराने अनुभव से प्रभावित होकर श्रुति के पिता ने फरहान से ही श्रुति के लिए घर पर ट्यूशन लगवा दी। फरहान सप्ताह में 3 दिन शाम 5 बजे से 7 बजे उसे पढ़ाते थे। फरहान अपने घर पर 4 से 6 बच्चों को 2-2 घंटे के 4 बैच में पढ़ाता था। यहां उसे हफ्ते में 3 दिन के 2-2 घंटे ही देने थे और अच्छी फीस भी मिल रही थी। फरहान 27 वर्षीय अविवाहित साफ सुथरी छवि वाला युवक था। वह एमकॉम का यूनिवर्सिटी टॉपर था और अब PhD की तैयारी भी कर रहा था। फरहान पढ़ाई के समय अपना 100% देते थे। वो किसी भी छात्र से व्यक्तिगत चर्चा नहीं करते थे। श्रुति को पढ़ाते समय फरहान को अक्सर लगता था कि उसका ध्यान कहीं और ही रहता है, पर फरहान ने उसे कभी टोका नहीं, पर इशारे में पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दी। श्रुति को फरहान के पढ़ाने का तरीका आसान और असरदार लगता था। श्रुति को इतने जटिल लगने वाले विषय इतने आसान पहले कभी नहीं लगे थे। फरहान की मेहनत ने श्रुति के मन से कॉमर्सी भूतों का डर दूर कर दिया। अब श्रुति का मन फरहान की तरफ झुकने लगा था। ऐसी कच्ची उम्र में अमूमन ऐसा होता है। अपने टीचर में ही अक्सर आकर्षण का विस्तार होना देखा गया है। हर शनिवार शाम 5 से 6 बजे तक श्रुति की मम्मी मंदिर जाती थी। कई बार उस समय श्रुति और फरहान अकेले होते थे। ऐसे ही एक शनिवार को श्रुति का मन पढ़ने का नहीं था। जब घर पर कोई सदस्य नहीं था और फरहान और श्रुति घर पर अकेले थे, काफी झिझक के बाद श्रुति के झुकाव ने पहल कर ही दी। सर, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। फरहान ने श्रुति की बातों में कोई रुचि नहीं दिखाई और श्रुति को फटकार दिया, पर श्रुति का दिल नहीं माना और उसने धीरे से कहा, सर प्लीज थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं ना, आप पिछले 2 महीनों से मेरे को पढ़ा रहे हैं और आज तक हम लोगों ने पढ़ाई के अलावा कोई और बात की ही नहीं है। हर समय पढ़ते पढ़ाते आप बोर नहीं होते? कभी कभी रूटीन से ब्रेक लेकर रिलैक्स भी होना चाहिए ना सर। श्रुति, मैं यहां तुम्हें पढ़ाने आता हूं, ना कि तुमसे पर्सनल बातें करने या टाइम पास करने। जल्दी से इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, फरहान ने हल्का गुस्सा दिखाते हुए कहा। श्रुति ने हारी हुई आंखों से हामी भर दी और बेमन से फरहान के अकड़ू गुस्से को कोसती हुई जवाब लिखने लगी। श्रुति के चेहरे पर छाए मायूसी के रंग को देखकर फरहान का दिल पिघल गया और फिर उसने श्रुति की पहल का जवाब दिया। तुमको मेरे बारे में जानने की इच्छा है ना, तो सुनो, मेरे अबू 9 साल पहले गुजर चुके हैं और मेरे परिवार में मेरी अम्मी और 3 बहनें हैं। हम फाइनेंशियली मजबूत नहीं हैं। मुझे ही मेरी बहनों का निकाह करवाना है और परिवार की देखरेख भी। मेरी तीसरी बहन के निकाह के बाद ही मैं अपने निकाह के बारे में सोचूंगा। शायद तुम्हारे मन को जवाब मिल गया होगा। पर श्रुति का मन कहां मानने को था, उसके सवाल की नदी का कोई किनारा ही नहीं था। सर, आप किसी से प्यार करते हैं? श्रुति ने पूछा। तुम अपने काम से काम रखो, आजकल काफी सर चढ़ती जा रही हो, फरहान ने गुस्से में कहा। श्रुति के सवाल से फरहान परेशान सा हो गया।
श्विति ने शायद उसकी किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। फरहान के मन में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मी सीन सा घूमने लगे, जैसे भूत का कोई हिस्सा फिल्म बनकर जहन में घूम रहा हो। फरहान अपने साथ में पढ़ने वाली यात्रा वर्मा से प्रेम करता था, पर परिवार की जिम्मेदारियों और समाज की चुनौतियों के कारण उसने अपने दिल को समझौते के लिए समझा दिया था। क्या हुआ सर? मैंने तो यूं ही पूछ लिया, सॉरी। इट्स ओके। क्या हम दोस्त नहीं बन सकते सर? क्या हम अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के अलावा कोई और भी बात नहीं कर सकते? मेरे को आपसे बहुत कुछ जानना है, किताबों से बाहर की दुनिया के बारे में, कॉलेज के बारे में, प्यार दोस्ती के बारे में। मैं मान ही नहीं सकती कि आपको कभी प्यार नहीं हुआ। बताइए ना सर, क्या आपको कभी प्यार हुआ है? श्रुति की उत्सुकता इतनी गहरी थी कि पूछते पूछते उसने फरहान के हाथ पर हाथ रख दिया। श्रुति के इस छुअन से फरहान के भीतर कुछ सोए हुए तार जैसे फिर से बजने को आतुर हो गए। फरहान को शरीर में मीठी सिहरन महसूस हुई। आज इतने अरसे बाद किसी लड़की ने उसे प्यार से छुआ था। ऐसा लग रहा था कि सालों से पर्वत के अंदर ही अंदर धधकता ज्वालामुखी फटने की कगार पर हो। अरमानों को जितना गहरा दबाओ, पर उम्र की शैतानियां उन्हें खींच ही लाती हैं। था तो वह भी एक जवान लड़का ही, प्रेम को छूने और महसूस करने को ललायत, और फिर श्रीति जैसी खूबसूरत लड़की से आकर्षित होना उम्र के इस पड़ाव के लिए मुश्किल भी नहीं था। पर एक ट्यूटर होने के नाते वक्त की नजाकत को देखते हुए फरहान ने अपना हाथ तुरंत टेबल से खींच लिया। प्रेम के रास्ते गुमनाम और गलियां तंग होती हैं। मंजिल मिले या ना मिले, गुमराह नहीं होना है बस। श्रुति इस नदी को लांघ जाने को प्रेम की परिभाषा समझने लगी। श्रुति ने अपने मन को उन्मुक्त कर दिया था हर डर से। वह अपने पैर से फरहान के पैर को सहलाने लगी। फरहान का दिल पिघल रहा था, पर उस पर घबराहट अधिक हावी थी। दिल ही दिल में उसका दिल हामी दे रहा था, पर उसे अपनी छवि और जिम्मेदारियों की फिक्र थी। श्रुति, बस करो ये सब, अगर कोई आ गया तो? फरहान की आवाज में एक अज्ञात डर था। दरवाजा बंद है और कोई भी आने से पहले दस्तक देगा, डोंट वरी सर, श्रुति ने शरारती अंदाज में उत्तर दिया। तुम मेरी स्टूडेंट हो, ये सब करना गलत है। फरहान की आवाज में घबराहट थी और मन में द्वंद था अवसर और जिम्मेदारियों के बीच। सर, आई लाइक यू सो मच। मैं पिछले एक हफ्ते से आपसे दिल की बात कहने की कोशिश कर रही हूं, पर हिम्मत नहीं कर पा रही हूं। मैं ना सो पाती हूं, ना ठीक से जाग पाती हूं। मैं आपको बहुत पसंद करने लगी हूं। श्रुति, अभी मैं जा रहा हूं, पर ये सब बातें तुम अपने दिमाग से निकाल दो। सर, मेरे को नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रही हूं। प्यार और पसंद पर किसी भी रिश्ते की किसी भी सीमा का कोई जोर नहीं होता। आज के लिए इतना ही बहुत है, मैं जा रहा हूं। इतना कहकर फरहान हजारों उधेड़ बूंद और कशमकश के कश को अपने मन में लिए घर को चला गया। श्रुति एक बार फिर से उसी हसीन मोड़ पर आ गई थी। उसकी सोच के दायरे में अब सिर्फ फरहान ही था। ये प्यार है या सिर्फ एक आकर्षण? मैं क्यों उन्हें मिस करती हूं? वो मेरे को उस तरह से क्यों नहीं देखते जिस तरह से मैं? क्या सिर्फ इसलिए कि वो मेरे ट्यूटर है और उम्र में मुझसे काफी बड़े हैं? क्या इसलिए कि हमारे जाति धर्म अलग है? पर मैं क्या करूं, इस दिल का तो कोई उम्र पेशा जाति धर्म नहीं होता। यह तो एक बच्चे की तरह बस जिद करना जानता है। इसे वही चाहिए जो इसे पसंद होता है। अब चाहे मुझे रो रो कर रातें क्यों ना बितानी पड़े, पर मुझे प्रेम हुआ है और मैं इसी एहसास में जीना चाहती हूं। फरहान ने श्रुति के प्रेम के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई, पर प्रेम से भरा दिल भी तो जिद्दी होता है। श्रुति का दिल हार मान जाने के इरादे में बिल्कुल न था। अगले कुछ दिनों तक वह खामोशी पहने रही। उसने अपने दिल में कंपन कर रहे एहसासों का जिक्र नहीं किया, पर आंखें सबसे बड़ी दगाबाज चीज है। लाख छिपाने पर भी श्रुति की आंखें उसके दिल को बयान कर रही थी। फरहान सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रहा था। फरहान के दिल और दिमाग में द्वंद्व चल रहा था, वह द्वंद्व जो प्रेम, डर और लालच का प्रस्थान बिंदु है। एक तरफ उसके 10 साल की कड़ी मेहनत और उसकी साफ छवि थी जो जरा सी खरोच से भस्म हो सकती थी, और दूसरी तरफ उसके दिल में प्रेम के लिए उठ रही तरंगे। उसकी और यात्रा की अब तक शादी हो चुकी होती, पर हिंदी फिल्मों की तरह यात्रा के भाइयों ने उसे खूब पीटा था। एक जिम्मेदार बेटे और भाई के नाते उसके अंदर के प्रेमी ने आप ही अपने कदम पीछे कर लिए, पर अब तो उसे पूरा अवसर मिल रहा था।
वह भी एक इंसान था, कुछ इच्छाओं और जिस्मानी ख्वाहिशों से भरा, जिसे पूरा करना भी उसका धर्म था। इस शनिवार को भी घर पर कोई नहीं था। मम्मी के मंदिर जाते ही श्रुति ने फिर एक बार हिम्मत जुटाकर फरहान के हाथ पर हाथ रख दिया। फरहान ने इस अवसर को अपना लिया और श्रुति के हाथ पर चूम लिया। श्रुति की खुशियां उस पल आसमान छूने लगी। वह खड़ी हुई और उसके करीब जाकर होंठों पर होंठ रख दिए। इस दफा फरहान ने कोई देरी नहीं की। फरहान ने भी उसे जी भरकर वही अपनत्व दिया। उम्र के सारे फासले गले मिलते ही गल गए। अचानक फरहान अलग हुआ और किचन में गया। उसने ठंडे पानी से खुद को ठंडा करने की कोशिश की। पता नहीं वह किस उधेड़ बुन में था। उसे अचानक ही अपने किए पर आत्मग्लानी महसूस हुई। इसी झंझावत में वह घर से निकल गया। मन जिस नैतिक घेरे से घिरा रहता है, उससे निकल पाना इतना आसान नहीं होता। अगली दो क्लास में खामोशी पसरी थी दोनों के दरमियान। कुछ था जो बोल रहा था, वो थी नजरें। इस शनिवार फरहान ने अपने दिमाग और दिल के बीच समझौता करवा लिया। नैतिक चक्रव्यूह भी तोड़ दिया। इस बार वह पूरी तैयारी से आया था। श्रुति गहरे गले का लाल टॉप और टाइट जींस पहने थी। मानसून का समय था, रुमानी आलम था। जैसे ही श्रुति की मम्मी मंदिर के लिए घर से निकली, फरहान ने श्रुति को अपनी बाहों के आगोश में ले लिया। वो दोनों ही आत्मीयता के इस पल में इतना गहरा रंग गए थे कि एक दूसरे के अलावा किसी बात का ख्याल ही न रहा। वे दोनों ही आत्मीयता के इस पल में इतना गहरा रंग गए थे कि एक दूसरे के अलावा किसी और बात का ख्याल ही न रहा दोनों के भीतर। स्माइली, तभी जोर से जनाना आवाज आई। यह श्रुति की मम्मी की आवाज थी। मुंबई की बारिश भी जैसे एक अल्हड़ जिद्दी लड़की। अचानक ही बारिश पड़ने से मम्मी को फिर घर लौटना पड़ा। घर लौटते ही श्रुति और फरहान को इतना करीब देख उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। श्रुति जल्दबाजी में दरवाजा बंद करना भूल गई थी। तीनों सन्न खड़े थे। मम्मी ने श्रुति को जोर से तमाचा मारा। फरहान मौन खड़ा रहा। मुश्किल से वह हिम्मत बटोर कर बोला, आंटी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं वादा करता हूं कभी आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। यकीन मानिए, हमने कोई हद पार नहीं की है। प्लीज किसी से भी कुछ मत कहे, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। आप मुझे जो चाहें सजा दें, पर हम तीनों से बाहर ये बात किसी को पता ना चले। प्लीज आंटी, मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं। फरहान ने अपने माथे पर शर्मिंदगी से चमक रही पसीने की बूंदें पोंछी और हाथ जोड़ लिए। शकुंतला वहीं बैठ गई जहां खड़ी थी, अभी तक अपनी आंख पर विश्वास न करने की मंशा में। आखिर वह उठी और फरहान को कभी इस घर के आसपास न फटकने की हिदायत दी और श्रुति से कभी न मिलने का वादा लेते हुए उसे चले जाने को कहा। शकुंतला अब गुस्से में उसकी तरफ मुड़ी और श्रुति से पूछा, ये सब कब से चल रहा है? किस हद तक पहुंचे हो तुम लोग? आई प्रॉमिस मम्मी, ये सब पहली बार ही हुआ था। हमने आज तक कुछ गलत काम नहीं किया है। आई एम रियली वेरी सॉरी मम्मी, श्रुति ने डरते हुए अपनी मम्मी को बताया। श्रुति को एक डर ही सता रहा था कि कहीं इस बात की हवा उसके पिता के कानों तक ना पहुंच जाए। उसने मम्मी के पैर पकड़कर माफी मांगी और फिर कभी ऐसी गलती ना करने का वादा किया। एक माँ और औरत की चिंता व्यथा स्वयं तक ही सीमित नहीं रह पाती। शायद इस डर से भी कि अपने जीवन साथी से कुछ छुपाना एक अर्धांगिनी का धर्म नहीं होता। रात में डरते हुए शकुंतला ने इंद्रसेन को आधी बात बताई। उन्होंने झूठ नहीं कहा, पर पूरा सच भी नहीं बताया, जैसा कि असमंजस में हर स्त्री करती आई है। उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि उन्हें ट्यूटर की नजर ठीक नहीं लगी, इसलिए उसे हटा दिया। इंद्रसेन ने जवाब दिया, स्माइली अब बड़ी हो रही है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। उसकी ग्रह दशा कुछ ठीक नहीं, वह कभी भी भटक सकती है। अनैतिक काम की छुअन भी उसे आकर्षित कर सकती है। यह भी हो सकता है कि वह किसी के साथ, यह सुनने में बेहद कठोर है, परंतु उसके ग्रह नक्षत्र इसी ओर इशारा कर रहे हैं। यह सुनकर शकुंतला ने दिन में हुई घटना का पूरा वर्णन इंद्रसेन से किया। यह सुनकर इंद्रसेन आश्चर्यचकित ना हुए, परंतु उदासी के बादल उनके चेहरे पर छाने लगा। उन्हें पहले से ही इस बात का अंदाजा था, जिससे उन्होंने स्वयं को तैयार कर रखा था। उनके ज्योतिष ज्ञान ने इसकी झलक पहले ही उनके सामने प्रस्तुत कर दी थी। उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को बताया।
उसके ग्रह कहते हैं कि उसके जीवन में कई आदमी आएंगे और जाएंगे, पर सच्चा प्रेम शायद ही उसे कभी मिल पाए। तुम उसे इस बारे में कभी कुछ मत कहना, बस उसके हर क्रियाकलाप पर नजर रखो। मम्मी बनकर नहीं, एक सखी बनकर ही इस उम्र में तुम उसे समझा सकती हो। हमें ही उसकी ढाल बनना है और उसको गाइड करना है, झूठे रिश्तों के भंवर में उलझने से बचाना है। समय का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब तक तुम लोगों के साथ रहो। तुम्हारे जीवन में आगे कई संघर्ष हो सकते हैं। इस समय को पढ़ता हूं तो लगता है बेटी ही आखिरी सांस तक साथ निभाती है। तुम्हारे पास स्माइली का सहारा हमेशा होगा। संस्कार से ज्यादा उम्मीद रखना खुद के भविष्य को कमजोर करने जैसा है, इसलिए स्माइली से सहेली की तरह बात करो, उसके करीब रहो। अपना समय किटी पार्टी और मंदिरों की जगह अपनी बेटी को दो। शकुंतला के लिए आज की रात दिन से भी अधिक उजास थी। वर्तमान में भविष्य की कड़वी झलक देखना भी दर्द होता है। पनम आंखें लेकर विचारों की गहरी रात में डूब गई। अगले दिन रविवार को इंद्रसेन घर पर ही थे। श्रुति उनके पास गई और अपने मन की गांठें खोलनी चाहिए। पापा, मेरे को अपने फ्यूचर की टेंशन है। आप तो सबको फ्यूचर बताते हैं, मेरे फ्यूचर का भी बताओ ना प्लीज, ताकि मैं आने वाले कल की प्लानिंग कर सकूं, श्रुति ने मासूम समझदारी से पूछा। मैं अभी तुमसे इसी मामले में बात करना चाह रहा था स्माइली। तुम अब बड़ी हो चुकी हो और समझदार भी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगी और मानोगी भी। तुम्हारी इस उम्र में बच्चे हर वो चीज करते हैं जो उन्हें अच्छी लगती है, पर यह जरूरी नहीं कि हर अच्छी लगने वाली चीज सही हो। अच्छी दिखने वाली चीजें गलत नतीजे दे सकती हैं, पर सही चीजों के नतीजे कभी गलत नहीं होते। चमकती लुभाती चीजों के पीछे जाने से अच्छा है कि हम सही चीजों की तलाश करें, फिर चाहे उसमें देरी ही क्यों ना। अभी तक तुमने एक बेहतर जीवन देखा है, हमने तुम्हारे लिए हर बेहतरी की कोशिश की है, पर जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता और ना ही हम अमर हैं। हम तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेंगे और जब तक रहे तब तक तुम्हें हमारा ध्यान में रखना है। आगे जीवन गुलजार हो ऐसी हम कामना कर सकते हैं, पर चुनौतियों के लिए खुद को हमेशा के लिए तैयार रखना और उन्हें दिल खोल कर अपनाना भी। हमेशा खुद पर भरोसा रखना और कभी भी हालात से घबरा कर हार मत जाना। तुमको फाइनेंशियल, पर्सनल, हेल्थ के चैलेंजेस आएंगे, पर हौसले बुलंद हो तो सितारों को भी ललकारा जा सकता है। हो सकता है चुनौतियों के सफर में कोई भी साथ ना हो। तुम्हें जीवन के सारे उतार चढ़ाव के सफर अकेले ही तय करने हैं। तुम पापा की प्यारी बेटी हो, बहादुर और बुद्धिमान भी। और एक जरूरी बात, हम तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेंगे। तुम्हें अभी से सही गलत का फैसला करना सीखना होगा, इंद्रसेन ने जीने का सार समझाया। अब तक के अनुभव ने श्रुति को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि प्रेम को लेकर उसके फैसले अतार्किक थे। आज तक उसने दिल के फैसले बिना सोचे समझे किए थे। उम्र की नादानियां और नासमझी एक समय पर चुभने लगती हैं। उसे यह एहसास हुआ जिसे वह प्रेम की संज्ञा दे रही थी, दरअसल वह प्रेम नहीं था। प्रेम का तो सिर्फ नादानियों ने नाम दे दिया था, वास्तव में वह महज आकर्षण था। उसने ठान लिया कि अब वह हर फैसला हर पहलू को देख के करेगी। वह जीवन साथी भी चुनेगी तो परिवार और समाज को ध्यान में रखकर।